हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। ट्वेल्थ में जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ले रखा है उनको मालूम है कि आपका टर्म टू का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। अप्रैल लास्ट वीक से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। टर्म वन जो आपका कंप्लीट हुआ है वो कम्प्लीटली MCQ बेस्ड था। 35 मार्क्स आपका वहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मतलब ओवरऑल आपका जो 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है उसमें से 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का हो जाता है, 70 मार्क्स आपका थ्योरेटिकल पेपर रहता है, जिसमें से 35 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो टर्म वन में हो गया है और 35 मार्क्स आपका टर्म टू में होने वाला है। ठीक है, अब टर्म वन और टर्म टू में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि टर्म वन जो था वो कम्प्लीटली MCQ बेस्ड था, वहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और उस हिसाब से आपने उस पेपर को अटेम्प्ट किया है और मुझे लगता है कि आपका सबका पेपर अच्छा ही गया होगा। ठीक है, टर्म टू MCQ बेस्ड नहीं रहेगा, ये आपका जनरल पेपर रहेगा। इसमें आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, रिटर्न रहेगा, आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए इसका सैम्पल पेपर भी CBSE ने साइट पर अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं डाल देता हूँ, डली हुई है, आप वहाँ से सैम्पल पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, मेरा आप सबसे कहना ये है कि टर्म टू में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा, बहुत सीरियसली इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप टर्म टू में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट को तैयार कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, किस यूनिट का कितना वेटेज है, किसमें से कितना पार्ट आने वाला है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी इस सब्जेक्ट की कीजिएगा। ठीक है, मेरे सामने सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस बुक से स्टडी कर रहे हैं। सबको मालूम है हम यहाँ पर आपकी जो रेफरेंस बुक है सुमिता अरोरा, आप इसी बुक से स्टडी कीजिए और मेरा मानना है कि अगर आप इस बुक को अच्छे से कर लेते हैं, इस बुक में जो एक्सरसाइज हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ हम कंप्लीट सिलेबस भी आपको इस चैनल पर मिलेगा, मतलब आपका जो टर्म टू है टर्म टू का कंप्लीट सिलेबस के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन एक्सरसाइज आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो आप वहां से भी इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तो आगे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से तैयार करना है, कितना टाइम देने की जरूरत है, किस यूनिट को कितना टाइम है आपके लिए, किस हिसाब से स्टडी करना है, सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आप देखेंगे कि टर्म वन में जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, इसमें से 35 मार्क्स का पूरा आया था, मतलब पूरा टर्म वन का जो पेपर है वो कंप्लीटली इसी यूनिट पर बेस्ड था, इसी यूनिट से क्वेश्चन आए थे। टर्म टू में इस यूनिट से फर्स्ट वाला जो यूनिट है इसमें से सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, जो स्टैक वाला पार्ट है ना आपका वो इसमें आने वाला है। ठीक है, सेकंड जो यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसमें से आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं और थर्ड जो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें से 20 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो है वो आपका डेटाबेस का है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं, 10 नंबर नेटवर्किंग का, 5 नंबर आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग वाला है। अब हम देखते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग, मतलब ये आपका टर्म वन का था, ये आपका टर्म टू का है। टर्म टू में कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आने वाला है, जिसमें आपका स्टैक ऑपरेशंस ऑन स्टैक, पुश एंड पॉप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट, ये आपको करना है। आपको सबसे पहले स्टैक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि स्टैक होता क्या है। स्टैक में दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टैक होता क्या है और इसमें पुश और पॉप किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, और स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूजिंग लिस्ट है। देखिए ध्यान रखना यहाँ पर कि आपके लिस्ट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होना चाहिए। अगर आपके लिस्ट के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप यहाँ पर स्टैक ऑपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 5 नंबर अगर आपने सिर्फ इतना सा कर लिया तो 5 मार्क्स आपके यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे, कोई आपके नंबर नहीं कट कर सकता। ठीक है, सेकेंड जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग बहुत बड़ा यूनिट है, मैं इसको छोटा नहीं बोलूँगा। अगर आप इस सिलेबस को बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपको इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, नेटवर्किंग का बहुत कुछ पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसमें लैन वैन वाला पूरा पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आपका नेटवर्किंग में अर्पानेट और NSFnet, इंटरनेट, ये सब की थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ये मेरे ख्याल से बेसिक चीज़ें हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होंगी तो इनको आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी जो मेरे वीडियोस रहेंगे उनमें आपको इनका पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटा कम्युनिकेशन, इसमें आपका पूरा कम्प्लीटली डेटा कम्युनिकेशन में सेंडर रिसीवर मैसेज कम्युनिकेशन मीडिया प्रोटोकॉल सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ट्रांसमिशन मीडियम में ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत अच्छा है ये भी, मेरे ख्याल से प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से वायर्स होते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी होती है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। नेटवर्क डिवाइसेस ये भी बहुत अच्छा पार्ट है इसका, इसमें आपको लैन पैन मैन सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। प्लस इसमें मॉडम जितने भी होते हैं, ईथरनेट कार्ड होता है, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इन पर आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिस्टेंस वगैरह दी जाती है और सर्वर अर्वर की पोजीशन निकालनी पड़ती है, प्लस आपको डिवाइस पता करना पड़ता है कि कौन सी डिवाइस आपको लगानी है, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे अगर आपने इस चीज़ को कर लिया। मतलब वो क्वेश्चन तो आना ही आना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजीज ये भी बहुत इजी पार्ट है, आप आराम से कर सकते हैं इसके लिए। नेटवर्किंग के टाइप और नेटवर्किंग की टोपोलॉजीज ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है, इसमें आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। प्रोटोकॉल्स मालूम है आपके लिए, जितने भी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं वो सब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये इंट्रोडक्शन ऑफ वेब सर्विसेज यहाँ पर आ गया, इसमें www हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको HTML बोला जाता है, इनका सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इनको डिटेल्स में नहीं जाना है। इंट्रोडक्शन मतलब एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं या डिफरेंसेज आपके पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर रहेगी, इसके आप टेंशन मत लीजिए। हम सब ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो यूनिट है वो डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बहुत अच्छा यूनिट है, बहुत अच्छा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट से। मतलब ये मैं समझता हूँ कि इजी टॉपिक है, आपने अगर 11th में तो नहीं था अगर आपका, लेकिन अगर आपको पहले से आइडिया है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको करेंगे। इसमें डेटाबेस के पूरे कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस, डेटा मॉडल्स आपको पढ़ना है, सारे की एट्रीब्यूट्स पढ़ना है, प्राइमरी की कैंडिडेट की अल्टरनेट की सब आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होती है ये आपको पढ़ना है। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो उस तरह के आते हैं कि टेबल्स आपको दी जाती हैं और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको सॉल्व करना है, जैसे आपको क्वेरी लिखना है या क्वेरी दी गई है उसका आपको आउटपुट निकालना है। ध्यान रखिएगा ये जो टर्म टू का एग्ज़ाम है इसमें SQL वाले पार्ट से 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चंस तो आप मिनिमम मान के चलिए, क्योंकि 20 नंबर का आपका सिर्फ इसमें से आने वाला है, तो मोर देन 2, 3, 4 क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं डेटाबेस में से, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब आपका टेबल पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, प्लस आपके जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आपके इसमें से आने ही आने हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिलेबस, अगर आपने इतना कर लिया अच्छे से तो मैं समझता हूँ कि 35 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। साथ ही साथ प्रैक्टिकल का भी हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल आपका जो है, जिसका भी डेट CBSE ने दे दिया है कि एग्ज़ाम से पहले आपके सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाने चाहिए, तो इसमें भी इन्होंने टर्म वाइज पूरा प्रैक्टिकल का दे रखा है कि जैसे 30 मार्क्स का आपका टोटल प्रैक्टिकल है तो 15 नंबर टर्म वन में कम्प्लीट हो जाते हैं और 15 मार्क्स आपके टर्म टू में कम्प्लीट होते होंगे, ठीक है। जिसमें आपके पाइथन प्रोग्राम्स आपको करना है, 6 नंबर के पाइथन प्रोग्राम्स यहाँ पर आने वाले हैं, इसमें आपके 2 मार्क्स का रहेगा, टर्म वन में 6 मार्क्स का, टोटल आपके 8 मार्क्स का था, टर्म में 6 का हो गया, यहाँ पर टर्म टू में 2 का होगा, ठीक है। SQL क्वेरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, 2 टेबल पर बेस्ड या 1 टेबल पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आउटपुट बेस्ड क्वेरीज रहेंगी, ये आपका टर्म वन में नहीं पूछा गया था, टर्म टू में 4 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल आपको करना है, देखो रिपोर्ट फाइल मतलब जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है ना उसको रिपोर्ट फाइल बोला जाता है। टर्म वन में आपने ये 15 क्वेश्चंस लगभग यहाँ पे प्रोग्राम बनाए होंगे, टर्म टू में आपको मिनिमम 3 पाइथन प्रोग्राम बेस्ड ऑन टर्म टू सिलेबस आपको बनाना है, प्लस SQL क्वेरी पर बेस्ड आपको 5 सेट क्वेश्चन, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चंस 2 टेबल पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस यहाँ पर करना है। 2 प्रोग्राम बेस्ड ऑन पाइथन एंड SQL कनेक्टिविटी पर आपको टर्म टू ये करना है, आपके लिए ध्यान रखना ये टर्म टू का है, ठीक है। ये क्वेश्चंस यहाँ होना चाहिए, पाइथन कनेक्टिविटी के क्वेश्चंस होना चाहिए, SQL वाले क्वेश्चंस आपके होना चाहिए प्रैक्टिकल फाइल में, जो प्रैक्टिकल फाइल आप बनाने वाले हैं ध्यान रखना इस हिसाब से होना चाहिए, जिसमें आपका टर्म टू में 3 नंबर के रहेंगे आपके प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट का टर्म वन में आपको सिनॉप्सिस जमा करना था जो आपने किया होगा, टर्म टू में आपको फाइनल कोडिंग प्लस वाइवा रहेगी इसमें, जिसका कि 5 नंबर रहेगा आपका,
मतलब प्रोजेक्ट अगर आपने नहीं किया है तो भैया कर लो प्रोजेक्ट फटाफट फटाफट, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपके लिए, जिस पर आपके 5 नंबर बेस्ड हैं प्रोजेक्ट पर। इस हिसाब से एक टोटल वाइवा रहेगा जो कि 1 नंबर का यहाँ पर दिया गया, तो वाइवा को आप यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट पर बेस्ड वाइवा भी रहेगा प्लस एक कॉमन वाइवा भी रहेगा आपका, कॉमन हम ये बोल सकते हैं, वाइवा तो वाइवा होता है, खैर इसमें जिसमें एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछेगा, जिसमें प्रोजेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं प्लस आपके सिलेबस तो रहेगा ही रहेगा उसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो प्रैक्टिकल है वो 15 मार्क्स का इस हिसाब से रहेगा, 2 + 4 + 3 + 5 + 1, इस हिसाब से आपके 15 मार्क्स यहाँ पर प्रैक्टिकल में कंप्लीट होंगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये सिलेबस है भाई, सिलेबस अच्छे से कर लीजिए, सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए और इसके अकॉर्डिंग फटाफट अपनी स्टडी चालू कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक कोई स्टडी नहीं की है तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, रेगुलर आप जो बुक मैंने आपको बताई है सुमित अरोरा उससे रेगुलर स्टडी कर सकते हैं, या फिर जो वीडियोज़ हम इस चैनल पर मिलने वाले हैं आपके लिए वीडियो क्लासेस रहेंगी, वहाँ से भी आप अपना सिलेबस टाइमली कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ भाई कि इसका जो सैम्पल पेपर है वो क्या है प्लस इसका मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। चलिए सैम्पल पेपर हम देख लेते हैं एक बार, इसका सैम्पल पेपर, ठीक है ना, टर्म टू सैम्पल क्वेश्चन पेपर ये दिया है इन्होंने, देखो मैंने ऑलरेडी CBSE की साइट से निकाल के रखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है टर्म टू का, ठीक है, 35 मार्क्स का, 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। ये सेक्शंस इसमें दिए इन्होंने, ध्यान रखिएगा, पूरा आपका जो है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो रहेगा इसमें 7 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चंस के 2 मार्क्स रहेंगे आपके, ठीक है, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर टर्म टू का इस हिसाब से दिया है। 3 सेक्शंस इसमें रहेंगे, ए बी एंड सी, पहले सेक्शन में 7 क्वेश्चंस आना ही आना है जिसमें आपका हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। बी में 3 क्वेश्चंस रहेंगे और जिसमें आपके 3 3 नंबर के 3 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है, मतलब 7 + 2 14 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, 3 + 3 9 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं आपके, ठीक है। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 4 4 मार्क्स के रहेंगे आपके, ठीक है, इस हिसाब से 35 मार्क्स आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। इंटरनल चॉइस भी मिलेगी इसमें, लेकिन क्वेश्चन फिक्स रहेंगे कि किस क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको चॉइस मिलेगी, क्वेश्चन 8 में मिलेगी और क्वेश्चन नंबर 12 में मिलेगी, इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मतलब ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, आपको करने ही पड़ेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, एक बार हम सैम्पल पेपर को देखते हैं तो इसको सॉल्व मैं करा दूंगा आपके लिए, अगर आपने नहीं किया है तो अगली क्लास में हम सैम्पल पेपर को देख लेंगे। इसका लिंक मैं डाल रहा हूँ, आप वहाँ से निकाल के इसको देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और उनको किस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इसकी मार्किंग स्कीम भी है मेरे पास, जैसे CBSE ने जो दिया है मार्किंग स्कीम टर्म टू, ठीक है, ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका मार्किंग स्कीम दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन 1 मार्क 2 नंबर का रहेगा, तो अगर इसमें जैसे हम इसको देखते हैं, ये आपका है पेपर जिसमें जैसे मान के चलो कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा एक्सपेंड द फॉलोइंग SMTP और XML, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है यह ना, ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है मतलब हाफ इसमें जाएगा हाफ इसमें जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करोगे फाइनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक, स्टैक के विषय में आपको 2 पॉइंट लिखना है, तो 1 पॉइंट 1 नंबर का आपको यहाँ पर इस हिसाब से मिलेगा। ये अंडरस्टूड है, आपको समझना पड़ेगा कि इनकी मार्किंग स्कीम क्या है, प्लस ये जो पेपर है मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इसकी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और इस क्वेश्चन पेपर को इस सब्जेक्ट को अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। कल से हम इसकी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, मैंने आपको जैसा बताया स्टैक से हम स्टार्टिंग करेंगे, प्लस उसके बाद में आपका डेटाबेस वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और आफ्टर दैट हम नेटवर्किंग करेंगे, ये मेरा सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।